यूक्रेन युद्ध में अब तक की सबसे बड़ी धमकी सामने आई है। ये धमकी रूस के उस शख्स ने दी है जो खुद 4 साल तक देश के परमाणु बमों का रखवाला हुआ करता था। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबियों में शुमार इस शख्स ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए ये कहा कि अगर उसने यूक्रेन को परमाणु हथियार दिए तो कीव को मिट्टी में मिला दिया जाए। यूक्रेन को F-16 मिलेगा। क्या कीव में परमाणु धमाका होगा? क्या ज़ेलेंस्की को एटमी हथियार मिलेंगे? जवाब में पुतिन परमाणु बम का बटन दबाएंगे। यूक्रेन युद्ध में ये अब तक की सबसे खौफनाक धमकी है। इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधी और साफ चेतावनी। धमकी का हर लफ्ज बहुत डरावना है। चेतावनी किसने दी है, क्या कहा है, आपको सब कुछ बताएंगे। अभी आप इस धमकी का ट्रेलर देखिए। जो सच साबित हुआ तो मंजर कुछ ऐसा सामने आएगा। जरा देखिए, अगर रूस ने सीधे कीव पर परमाणु बम फोड़ा तो क्या होगा। जानकारों के मुताबिक जहां बम फटेगा वहां 1 किलोमीटर तक हर चीज पूरी तरह से गल जाएगी। 1 किलोमीटर के बाद शॉक वेव निकलेगी जो धमाके से करीब 2 किलोमीटर तक की सारी इमारतों को मिट्टी में मिला देगी। शॉक वेव दूर तक तबाही मचाती रहेगी। धमाके के बाद सबसे बुरा होगा रेडिएशन का जहर जो दर्दनाक मौत देगा। रेडिएशन की चपेट में आए लोग कुछ घंटे कुछ दिनों तक भले ही बच जाएं, लेकिन उनका जिंदा रहना मुश्किल होगा। अगर पुतिन ने परमाणु बम का बटन दबा दिया तो यकीन मानिए सचमुच ऐसा ही होगा। ऐसा होता क्यों दिख रहा है, उसकी वजह भी समझिए। अमेरिका ने यूक्रेन को फाइटर जेट F-16 देने का रास्ता साफ कर दिया है जो रूस को हरगिज मंजूर नहीं है। रूस को अंदेशा तो इस बात का भी है कि यूक्रेन को परमाणु हथियार भी मिल सकते हैं। पुतिन के बेहद करीबियों में शुमार और रूस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रह चुके दिमित्री मेदवेदेव ने 2 टूक कहा है। अगर पश्चिम के देशों ने यूक्रेन को परमाणु हथियार दिए तो रूस बिना सोचे सबसे पहले परमाणु हमला करेगा। तब परमाणु विश्व युद्ध को टालना नामुमकिन होगा। पश्चिम के देश पुतिन को कम आंकने की गलती नहीं करें। यूक्रेन में परमाणु धमाके पर दिमित्री मेदवेदेव की यह धमकी ब्रिटेन के अखबार डेली मेल में छपी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और इन दिनों सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख मेदवेदेव ने यूक्रेन युद्ध के दशकों तक चलने की आशंका भी जताई है। उनके मुताबिक बीच बीच में युद्ध विराम मुमकिन है, लेकिन रुकावट के बाद युद्ध फिर से भड़क सकता है। मेदवेदेव ने हाल ही में वियतनाम दौरे पर ये बातें कही। गौर करने वाली बात यह भी है कि वियतनाम वो देश है जहां अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा था, पीठ दिखाकर भागना पड़ा था। ऐसे में मुमकिन है कि मेदवेदेव ने पश्चिमी देशों को धमकाने के लिए कूटनीतिक लिहाज से अहम वियतनाम को जानबूझकर चुना हो। मेदवेदेव ने पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका को सीधे और सख्त लहजे में कहा कि वो इस मुगालते में ना रहे कि पुतिन न्यूक्लियर ट्रिगर नहीं दबाएंगे। मतलब सीधा है कि परमाणु वॉरहेड के साथ रूस की मिसाइल कभी भी यूक्रेन पर गिर सकती है। मेदवेदेव रूस के कोई आम शख्स नहीं है, वो पुतिन के अलावा रूस की इकलौती जिंदा शख्सियत है जिनकी उंगली रूस के परमाणु बटन पर रह चुकी है। ये रूस का वही परमाणु ब्रीफकेस है जिसके साथ पुतिन अक्सर देखे जाते हैं।
यूक्रेन से युद्ध के बाद भी पुतिन कई बार इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस चिगट के साथ देख चुके हैं। मेदवेदेव यूक्रेन पर कितनी कड़ी लाइन लेते हैं, इसे समझने के लिए आपको उनके हालिया बयानों पर गौर करना होगा। उन्होंने हाल ही में यूक्रेन की सरकार को एक संक्रमण करार दिया था। युद्ध के बाद यूक्रेन के पूरी तरह से मिट्टी में मिलने का दावा किया था। इन धमकियों और बयानों के बीच सबसे बड़ा खतरा परमाणु हमले का है, क्योंकि पुतिन खुद भी यूक्रेन पर एटम बम फोड़ने की धमकी दे चुके हैं। अगर परमाणु हमला हुआ तो समझना यह भी जरूरी है कि किस देश के पास कितने एटम बम हैं। दुनिया भर में परमाणु हथियारों की तादाद 13,865 बताई जाती है। इनमें से 90% परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास हैं। रूस के पास 6,500 तो अमेरिका के पास 6,185 एटमी हथियार हैं। अगर रूस ने पहले परमाणु हमला किया तो क्या अमेरिका भी एटम बम से जवाब देगा? जाहिर है इसकी आशंका पुतिन को पहले से है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परमाणु हमले में खुद को रेडिएशन से बचाने के लिए पुतिन के लिए एक खास लिफ्ट तैयार की गई है, जिससे जुड़ी दो सुरंगें रूस के लिए परमाणु कवच जैसी है। सवाल है, क्या इस सुरंग और सुरंग से लगे समंदर में रूस के न्यूक्लियर बेड़े की हरकत बढ़ने वाली है? अमेरिका की परमाणु मिसाइलें कहां कहां तन गई हैं? रूस की परमाणु सेनाएं कहां कहां सज गई हैं? क्या ज़ेलेंस्की की जिद से परमाणु जंग की चिंगारी भड़कने वाली है? इन सवालों के जवाब बस मिलने ही वाले हैं। इस बीच यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने एक ऐसा दावा किया है जो किसी परमाणु धमाके से कम नहीं है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने कहा है कि रूस ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट के करीब बहुत जल्दी उकसावे की कार्रवाई कर सकता है। वो न्यूक्लियर प्लांट के करीब हमले की योजना बना रहा है। इसके बाद वो रेडियो एक्टिव चीजों के रिसाव का ऐलान करेगा। जाहिर तौर पर इसका ठीकरा वो यूक्रेन पर ही फोड़ेगा। यूक्रेन ने बीते रविवार को भी दावा किया था कि रूस ने पूरी रात ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट की एक बाहरी पावर लाइन पर गोलीबारी की। यूक्रेन की सरकारी बिजली उत्पादक कंपनी एनर्गोएटॉम ने दावा किया कि रूस ने निप्रोस्का पावर लाइन पर गोलीबारी की। इसी पावर लाइन से ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट को बिजली सप्लाई होती है। इस हमले का नतीजा ये हुआ कि इस परमाणु ऊर्जा केंद्र की बिजली सप्लाई रुक गई। वो तो गनीमत थी कि यहाँ 10 दिनों का डीजल स्टॉक था। आनन फानन में जनरेटर स्टार्ट किए गए ताकि न्यूक्लियर रिएक्टर की कूलिंग पर असर न पड़े और अंजाम के तौर पर परमाणु आपदा सामने न आए। अगर डीजल का इंतजाम नहीं होता, जनरेटर नहीं होते, तो ज़ापोरिज़्या में परमाणु धमाका भले ना होता, लेकिन परमाणु रिसाव की वजह से बहुत बड़ी आपदा जरूर आ जाती। वैसे तब के दावे के मुताबिक डीजल का स्टॉक सिर्फ 10 दिनों का था। इसमें से 8 दिन गुजर चुके हैं, यानी अब समय सिर्फ 48 घंटे का ही बचा है। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ज़ापोरिज़्या की बिजली सप्लाई बहाल हुई या नहीं। यानी अगले 2 दिन में यहाँ पर एक्सटर्नल पावर सप्लाई बहाल नहीं हुई तो खतरा सिर्फ यूक्रेन या यूरोप पर ही नहीं, पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। इस परमाणु ठिकाने में त्रासदी कभी भी आ सकती है, क्योंकि कभी यूक्रेन आरोप लगाता है कि रूस ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट पर बमबारी कर रहा है, तो कभी रूस दावा करता है कि यूक्रेन इस पावर प्लांट को हासिल करने के लिए यहां गोलाबारी कर रहा है। इस बीच यूक्रेन के खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि रूस ने ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट में IAEA की निगरानी में खलल डाला है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस घटना की जांच के लिए मजबूर हो सके। इसके लिए युद्ध विराम करना होगा। रूस ऐसा यूक्रेन के पलटवार को रोकने के लिए कर रहा है।
वैसे यूक्रेन का ये दावा खोखला दिख रहा है, क्योंकि आईएईए के काम में रुकावट डालने के आरोप पर खुद आईएईए ने भी मुहर नहीं लगाई है। ज़ापोरोज़्या में हालात बहुत खराब है, ये बात रूस भी मान चुका है। यही वजह है कि यहाँ से रूस अपने लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा चुका है। Російські окупанти проводять так звану евакуацію місцевих жителів з тимчасово окупованого Токмака Запорізької області у напрямку населеного пункту Бердянськ. Цій процедурі підлягають представники так званої місцевої влади, колаборанти, діти, вчителі та вихователі. При цьому батькам дітей погрожують не зарахувати навчальний рік в разі відмови евакуювати дитину. На АЗС спостерігаються черги за пальним. Усім водіям повідомлено, що нових поставок пального не планується. सवाल ये कि ज़ापोरोज़्या में ऐसे हालात पैदा क्यों हुए, तो इसके लिए आपको 15 महीने पीछे जाना होगा। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमले के फौरन बाद रूस ने ज़ापोरोज़्या पर कब्जा कर लिया था। यहाँ के करीब 80% इलाके पर काबिज रूस ने बेहद अहम न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी अपने कब्जे में ले लिया था। यूक्रेन कई बार ज़ापोरोज़्या को दोबारा हासिल करने की नाकाम कोशिश कर चुका है, वो प्रोपेगेंडा करने से भी नहीं चूकता। जबकि पुतिन है कि ज़ापोरोज़्या समेत यूक्रेन से अब तक छिन चुके तमाम इलाकों के लोगों का दिल जीतने में जुटे हुए हैं। रस दुआ ती отдельная и очень значимая задача – надежное прикрытие рубежей в непосредственной близости от зоны боевых действий. При этом нужно обеспечить быстрое прохождение как военных, так и гражданских транспортных средств и грузов, в том числе продовольствия, гуманитарной помощи, строительных материалов, которые поступают в новые субъекты Федерации, в Донецкую и Луганскую народные республики. रूस की सेना बहुत ताकतवर है, खुद पुतिन का इरादा फौलादी है। ऐसे में यूक्रेन का वजूद खत्म होगा या फिर सोवियत संघ से अलग हुआ ये देश रूस में मिल जाएगा, ये सिर्फ पुतिन ही जानते हैं।